हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग की क्लास में, और आज हम सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर सेट 6। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन में। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है। हमारे पास आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास क्या क्या है। मिक्सड बंच सिस्टम ग्रेप्स इज रिटन एज एट द रेट 26B, एट द रेट 38I, हैश 8R एंड हैश 16F। हमारे पास ये सब कुछ दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंबल्स हैं। इस वाले में हमारे पास सिंबल्स हैं, देन लेटर्स हैं और नंबर्स हैं। तीन चीज़ें हैं जिसके कोड हमें पता करने हैं, इसे डिकोड हमें करना। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहले सिंबल्स को ट्राई करते हैं। हमारे पास दो सिंबल्स हैं, हैश और एट द रेट। अब ये क्या हो सकता है कि चूंकि दो सिंबल्स हैं तो हमारा गेस किस तरफ जा रहा है कि ये या तो ऑड लेटर्स के लिए, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स के लिए आया है, या तो फिर इवन वाले के लिए आया है। सो सिंबल वाले केस में तो ऑड इवन ही हो सकता है। आगे चेक करते हैं कि आगे हमारे पास क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि मिक्स्ड इन सारे, अगर लेटर्स को, इन सारे अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू को भी हम ऐड कर दें तो नंबर्स जो होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स इतने बड़े हैं नहीं। सेकंड केस में अगर हम देखें कि फर्स्ट और लास्ट लेटर को अगर हम में एम और डी की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें तो एम की प्लेस वैल्यू 13 और डी की प्लेस वैल्यू 14, ये हमारा 17 हो रहा है। इसका अगर हम टू टाइम्स भी कर दें तो हमारे पास 34 हो रहा है। सो ये लॉजिक भी यहाँ पे नहीं लग रहा, क्योंकि 34 जैसा कोई नंबर यहाँ पे है नहीं। आगे क्या हो सकता है कि अगर हम केवल फर्स्ट लेटर के प्लेस वैल्यू को देखें तो M 13, सो ये भी हमारे पास नहीं है। अगर हम सेकंड केस में देखें कि लास्ट लेटर क्या है हमारे पास, D, सो D का प्लेस वैल्यू कितना है, 4, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आया होगा, 8। सो 8 तो हमारे पास है। फर्स्ट लेटर में भी अगर हम M को टू टाइम्स करते हैं तो ये कितना होगा, 26। सो 26 भी हमारे पास है। तो यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि या तो फर्स्ट लेटर के प्लेस वैल्यू को हमने ट्वाइस किया है या लास्ट लेटर के प्लेस वैल्यू को ट्वाइस किया है। आगे इसको कंफर्म करने के लिए हम आगे वाले एक और में चेक कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास हैंड है। सो हैंड में हमारे पास क्या है कि अगर हम फर्स्ट लेटर को चेक करें, एच को चेक करें, सो एच की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एच की प्लेस वैल्यू हमारे पास 8 होगी। अगर इसका टू टाइम्स करें तो ये हमारे पास कितना होगा, 16, लेकिन यहाँ 16 नहीं है। लेकिन अगर इसके लास्ट लेटर को हम देखें जो कि डी है, सो डी की प्लेस वैल्यू कितनी, 4, और 4 का टू टाइम्स हमने किया 8, यानी कि ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे स्पेस थोड़ा क्रिएट कर लूँ, इसे डिलीट कर दूँ। नंबर्स का लॉजिक तो समझ में आ गया, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, 2 प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ लास्ट लेटर, लास्ट लेटर के प्लेस वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट है, सो केवल अब हमारे पास क्या बचा, अल्फ़ाबेट बचा। अल्फ़ाबेट के लिए हम क्या करेंगे, चलिए चेक करते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे पास किसे आया, बी आया है। यहाँ पे मिक्स्ड में हमारे पास क्या आया है, बी आया है। ये हमारे पास आई आया है, आर आया है और एफ आया है। ये सारे जो हैं इन सब में तो नहीं है यहाँ पे, फिर अगेन सारे ये सारे लेटर्स में से तो नहीं आए हैं। सो ये हो सकता है कि किसी का ऑपोजिट हो। सो यहाँ पे बी किसका ऑपोजिट, अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर्स को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लेटर के ऑपोजिट्स तो नहीं मिल रहे। चलिए सेकेंड लेटर को चेक करते हैं। सो आई का ऑपोजिट हमारे पास, आई का ऑपोजिट आर, आई का ऑपोजिट आर है हमारे पास। अगर इस वाले में सेकेंड लेटर को चेक करें, यू का ऑपोजिट, सो यू का ऑपोजिट हमारे पास एफ है। अगर वाई के ऑपोजिट को हम चेक करें तो हमारे पास, वाई के ऑपोजिट को चेक करें तो बी है। और इस केस में अगर आर के ऑपोजिट को हम चेक करें तो हमारे पास आई है। यानी कि हमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनका भी कोड पता चल गया। ये क्या है कि ऑपोजिट ऑफ सेकेंड, ऑपोजिट ऑफ सेकेंड लेटर है। सो अब हमारे पास कोड, और ये ऑड इवन वाला अभी हमारे पास क्लियर नहीं हुआ कि क्या ऑड है। सो यहाँ पे हमारे पास कोड क्या आएगा, मिक्स्ड के लिए हमारे पास कोड आएगा हैश 8R। सो मिक्स्ड में हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 5 हैं। यानी कि ऑड के लिए हमारे पास क्या है, ऑड के लिए हम हैश यूज़ करेंगे
और इवन के लिए हम एट द रेट यूज करेंगे। सो अब हमारा ये सब कुछ क्लियर हो गया कि किसके लिए क्या कोड है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोड फॉर मूवी टिकट, मूवी टिकट के लिए कोड क्या होगा। सो मूवी है तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 हैं। तो हम इसे शुरू कैसे करेंगे, ऑड के लिए हमारे पास, ऑड के लिए क्या था, हैश था, और इवन के लिए हमारे पास एट द रेट था। सो हमें ये तो क्लियर है कि ऑड के लिए हमारे पास हैश है और इवन के लिए एट द रेट है। यहाँ मूवी में हमारे पास क्या है, 5 है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल हमारा क्या होगा, हमारा सिंबल हैश का होगा। और नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट वाला जो हमारा लेटर है यानी कि ई, इसकी प्लेस वैल्यू है 5। सो इसे अगर 2 टाइम्स कर दे तो यहाँ पे 10। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट के लिए हम क्या करेंगे कि सेकेंड लेटर का ऑपोजिट यानी कि ओ का ऑपोजिट एल। सो ये तो हमारे पास मूवी का कोड मिल गया। वैसे ही हम टिकट का कोड निकालेंगे। टिकट में हमारे पास कितने हैं, टिकट में हमारे पास 6 है। सो हमारे जो सिंबल होगा वो एट द रेट होगा। एंड अगेन यहाँ पे क्या होगा कि हमारा टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, टी की प्लेस वैल्यू हमारे पास 20 होती है। अगर हम टी की प्लेस वैल्यू 20 और 20 का अगर हम 2 टाइम्स करें तो 40, और आई का ऑपोजिट हमारे पास आर होगा। सो यहाँ पे आर होगा यानी कि हमारा जो कोड होगा वो ये होगा। और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, #10L@40R। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड फॉर वर्ड हैप्पी, हैप्पी के लिए क्या कोड होगा। पहले तो ये 5 लेटर्स है, ऑड है, सो यहाँ पे क्या होगा, हैश। सो जितने भी एट द रेट वाले हैं वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब आगे हमें क्या करना है कि आगे हमारा जो लास्ट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। हमारे लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू, वाई की प्लेस वैल्यू 25, 25 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 50। अब सेकेंड जो हमारा लेटर है ए, ए इसका ऑपोजिट क्या है, जेड। सो हमारा कोड क्या होगा, #50Z, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस केस में हमें कुछ नहीं करना, सिंबल्स चेक करने हैं और हमारा जो सेकेंड लेटर है उसका ऑपोजिट जो भी होगा वो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इस बार कोड गिवन है @2n denotes which of the following। चूँकि एट द रेट है तो कोई भी जो भी वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, उसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स होंगे। तो इवन वाले कौन कौन से हैं हमारे पास, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ऑड है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऑड है। तो या तो लैपटॉप, या तो जोन, या तो अम्ब्रेला। हमारा जो यहाँ पे लेटर आया है ये कैसे आया है, लेटर जो है ऑपोजिट है, ऑपोजिट ऑफ सेकंड। सो सेकंड एन का ऑपोजिट क्या होता है, एन का ऑपोजिट हमारे पास एम। तो जिस भी वर्ड का सेकेंड लेटर एम होगा वही आंसर होगा। सो सेकेंड लेटर एम इनमें से केवल और केवल अम्ब्रेला में है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम पूरा लॉजिक लगा के भी देखें तो हमारे पास जो सेकेंड लेटर आया वो तो एम आया, यहाँ पे 2 कैसे आता, ये जो लास्ट लेटर है ए, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और इसका हम 2 टाइम्स करेंगे, सो ये रहा 2। सो ये हमारा अम्ब्रेला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कि शी हैज़ मैनी स्वीट्स, इन सब के लिए हमें कोड ढूंढना है। इस केस में हम क्या करेंगे कि शी है तो 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, शी का कोड होगा हैश। हैज़ है तो इसका भी कोड होगा हैज। मैनी में 4 है तो ये क्या होगा, एट द रेट। और हमारे पास स्वीट्स है 6 है तो ये भी हमारे पास एट द रेट होगा। सीक्वेंस हम एक बार चेक कर लेते हैं, हैश हैश एट द रेट एट द रेट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा करेक्ट आंसर जो सीक्वेंस होगा वो ये होना चाहिए। लेकिन चलिए इसको एक बार अच्छे से सॉल्व करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा नंबर आएगा वो क्या होगा, लास्ट अल्फ़ाबेट का 2 टाइम्स, यानी कि लास्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे 5 है, इसका प्लेस ई की प्लेस वैल्यू 5, सो यहाँ पे कितना आएगा 10। और जो हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है, सेकेंड का ऑपोजिट यानी एच का ऑपोजिट, सो एच का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, एस। आगे अगर हैज़ की बात करें तो हैज़ चूँकि इवन है, 3 लेटर्स है हमारे पास, सो यहाँ पे तो हैज़ आएगा। आगे हैज़ में अगर हम लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू की बात करें एस, तो एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, और 19 को अगर हम 2 टाइम्स करें तो ये होगा हमारा 38। और ए, ए का ऑपोजिट क्या होता है, ए का ऑपोजिट जेड। वैसे ही अगर हम मैनी के लिए देखें तो मैनी में हमारे पास कितने, 4 लेटर्स है, तो ये एट द रेट होगा, इवन है। और अगर हम
यहाँ बात करें तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, वाई, वाई का कितना होता है प्लेस वैल्यू 25, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 50, और सेकंड लेटर है हमारे ए, ए का ऑपोजिट हमारे पास जेड, सो ये हो गया। और वैसे ही अगर हम स्वीट्स के लिए कोड निकालें तो स्वीट्स में है 6 लेटर्स, इसलिए एट द रेट। और इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो एस है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू हमारे पास 19 होती है, 19 का अगर हम 2 टाइम्स करें तो 38। और सेकंड हमारे पास क्या है, डब्लू, डब्लू का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, डब्लू का ऑपोजिट होता है डी, सो यहाँ पे होगा डी। सो हमारा कोड क्या होगा, हैश 10s हैश 38z एट द रेट 50z और एट द रेट 38d। ये हमने केवल और केवल सिंबल से भी देख के आंसर निकाल लिया था, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सब कुछ बताना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द कोड फॉर फाइनल, फाइनल के लिए हमें कोड पता करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फाइनल है 5 है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हैश होगा, तो जितने भी एट द रेट वाले हैं वो तो पहले ही कैंसिल होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम सेकेंड लेटर को ऑपोजिट ही केवल चेक कर लेंगे। सो सेकेंड लेटर हमारे पास आई है, आई का ऑपोजिट क्या होता है, आई का ऑपोजिट होता है आर, सो जिसमें आर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आर किस में है, आर हमारे ऑप्शन ई में है, लेकिन चलिए इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हमारा जो लास्ट लेटर है एल, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12, 12 का 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 24, यानी कि इसका कोड होगा हैश 24, आर हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये डायरेक्शन सेंस का है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फाइव फ्रेंड्स टीनू बानी चांदनी देव एंड जॉय आर प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड स्टैंडिंग रैंडमली, बानी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जॉय। मान लेते हैं कि हमारा जॉय यहाँ खड़ा है, सो बानी इसके कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट हमारा ये डायरेक्शन हुआ। आगे है, देव इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जॉय, देव इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जॉय, सो इसका ईस्ट यानी कि यहाँ पे देव है और ये कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर। आगे हमारे पास क्वेश्चन में है, जॉय हु इज 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ टीनू एंड जॉय इज 60 मीटर वेस्ट किसके है, टीनू के, यानी कि ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा टी। अब हमसे आगे पूछा गया है कि चांदनी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ देव, चांदनी जो है वो देव के नॉर्थ वेस्ट में है एंड इन लाइन ऑफ जॉय एंड बानी, सो अगर वो इन लाइन ऑफ जॉय एंड बानी है तो वो कहाँ होगी, वो इस तरह से होगी, सो चांदनी यहाँ पे है। देव इज 40 मीटर टू द साउथ ऑफ बानी, देव इज 40 मीटर टू द साउथ ऑफ बानी, यानी कि इनका जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है वो 40 मीटर्स का हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इफ बानी इज़ टू लुक फॉर टीनू इन द गेम, अगर बानी को टीनू को देखना है, वॉट डिस्टेंस शी सेव्स इफ शी गोज टू टीनू स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ फर्स्ट गोइंग टू देव एंड देन रीचिंग टीनू। सो हमसे ये पूछा गया है कि अगर पहले केस में बानी टीनू तक पहुँचने के लिए पहले देव के पास जाए फिर टीनू के पास जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, पहले केस में अगर वो इस रास्ते से जाती है, वो ऐसे जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 40 + 40 यानी कि 80 मीटर, लेकिन अगर वो डायरेक्टली जाती है, वो यानी कि ये डिस्टेंस कवर करके जाती है तो वो कितना ट्रैवल करेगी, तो वो कैसे हम निकालेंगे, वो हम निकालेंगे 40² + 40² यानी कि हमारा 3200 की वैल्यू होगी 56.56 मीटर। सो 80 - 56.56 मीटर हमारा कितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमारी होगी 23.44, सो वो इतना रास्ता सेव करती है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 23.44 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन इसी का है, क्वेश्चन है, व्हाट एंगल डज बानी मेक एट द पॉइंट वेयर टीनू इज स्टैंडिंग व्हाइल जॉय देव एंड टीनू आर इन द सेम। सो हमारा अरेंजमेंट कैसे था, हमारा अरेंजमेंट था यहाँ पे जॉय था, यहाँ पे हमारे पास देव है, यहाँ पे हमारे पास बानी है और यहाँ हमारे पास तीनू। सो और चांदनी हमारी कहाँ है, चांदनी हमारी यहाँ है और ये अरेंजमेंट हमारे पास बन रहा है। सो यहाँ पे और ये चूँकि साउथ डिस्टेंस है तो ये कैसा लाइन बनाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगी, यानी कि ये 90 डिग्री होगा।
अब अगर हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर ले तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, ये हमारे पास आइसोसीलस ट्रायंगल बनेगा, ये हमारा आइसोसीलस ट्रायंगल बनेगा। सो अब चूंकि ये आइसोसीलस ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होंगे, ये 45 और ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। सो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 45 डिग्री। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 90 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। टोटल हमारे पास कितना गिवन है, टोटल हमारे पास 90 है। गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है, ये हमारे बॉयज़ हैं और ये हमारी गर्ल्स हैं, इनका रेशियो 1:2 है। सो यहाँ पे नंबर्स कितने होंगे, ये हमारे बॉयज़ 30 होंगे और गर्ल्स हमारी 60 होंगी। ये तो हमारे पास क्लियर है। सूरज इज रैंक 14th फ्रॉम द टॉप। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सूरज जो है वो 14th है टॉप से एंड देर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज। यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स सूरज से पहले। सूरज का रैंक 14 है यहाँ पे और सूरज से पहले 10 लड़कियाँ, तो लड़के कितने होंगे, सूरज से पहले टोटल 13 लोग। अब 13 में से 10 लड़कियाँ हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ होंगे 3 और गर्ल्स हैं 10। हमसे पूछा गया है आगे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर। और सूरज से पहले कितने बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ हैं। सूरज से पहले 3 बॉयज़, सूरज यहाँ, तो सूरज के नीचे कितने बॉयज़ होंगे, सूरज के नीचे हमारे पास 3 बॉयज़ यहाँ हो चुके हैं। टोटल बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉयज़ हैं हमारे पास 30 और ऊपर में 3 बॉयज़, तो सूरज के नीचे कितने बॉयज़ होंगे, 30 माइनस 3 बॉयज़ होंगे, यानी कि 27 बॉयज़ जो होंगे वो इस लाइन के बाद होंगे, यहाँ के बाद, और एक हमारा हो गया सूरज। सो ये सूरज को भी अगर हम यहाँ से माइनस कर दें तो सूरज के नीचे 26 बॉयज़ होंगे, सूरज के नीचे 26 बॉयज़ होंगे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 26। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी किया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।